नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आशु और आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ पंजाबी आदिशान समोसा। आई नो आप मेरे चैनल पर समोसा पहले भी देख चुके हैं, बट आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी वे से। इसे हम बनाएंगे ब्रेड से और इसके साथ ही करेंगे हम तीन फिलिंग, आलू फिलिंग, चाइनीज नूडल फिलिंग और पिज्जा फिलिंग। होली इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और होली पर स्नैक तो ईजी होने चाहिए ताकि आप होली को खेलते हुए और खाते हुए सेलिब्रेट करें। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। समोसा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम चाइनीज फिलिंग समोसा। एक पैन में पानी बॉईल होने रखेंगे और उसमें डालेंगे नूडल्स और एज पर पैकेट इंस्ट्रक्शन उसे बॉईल करेंगे। बॉईल होने के बाद इन्हें स्ट्रेन करके ठंडा करने रख देंगे। अब एक पैन को गर्म करके ऐड करेंगे ऑयल, ऐड करेंगे फाइनली चॉप लहसुन अदरक, स्टर करेंगे, ऐड करेंगे अनियन, सॉटे करेंगे। अब ऐड करेंगे श्रेडेड गाजर, बंद गोभी, जूलियन बेल पेपर्स, फॉलोड बाय सॉल्ट, वाइट पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस, विनेगर, रेड चिली सॉस एंड मिक्स इट। ऐड करेंगे नूडल्स एंड अगेन मिक्स इट रियली वेल। और अब इस फिलिंग को ठंडा होने रख देंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे आलू की फिलिंग। उसके लिए बॉयल्ड आलू को, जिसे मैंने एक दिन पहले बॉयल करके रखा हुआ है, इन्हें पील करेंगे, हाथों से इन्हें मैश करेंगे। अब एक पैन को गर्म करके डालेंगे साबुत धनिया, अनारदाना, सॉटे करेंगे जब तक इनका फ्लेवर रिलीज हो जाए। अब इन्हें निकाल कर ठंडा होने रख देंगे। अब सेम पैन को गर्म करके ऐड करेंगे देसी घी, काजू, किशमिश, सौते करेंगे, इन्हें भी निकाल लेंगे। अब डालेंगे जीरा, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, स्टर करेंगे, ऐड करेंगे बॉइल्ड एंड मैश पोटैटोज, चॉप्ड हरी मिर्च, मटर, आमचूर पाउडर, नमक और साबुत धनिया और अनारदाना को क्रश करके मिक्स इट रियली वेल। इसे ढक कर 5 से 10 मिनट सिम पर रख देंगे। अब ऐड करेंगे चॉप्ड काजू किशमिश, चॉप्ड धनिया पत्ती, मिक्स इट रियली वेल। अब इस फिलिंग को भी ठंडा होने रख देंगे। अब बारी आती है हमारी तीसरी फिलिंग की, जो बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, पिज्जा फिलिंग। एक बोल में डालेंगे चॉप्ड अनियन, कैप्सिकम, गाजर, कॉर्न, ऑलिव, फॉलोड बाय सॉल्ट, ड्राइड बेजिल लीव या आप कोई भी पिज्जा सीजनिंग डाल सकते हैं और पिज्जा सॉस। ऐड करेंगे श्रेडेड मोजरेला, मिक्स इट रियली वेल। और अब इस फिलिंग को भी साइड में रख देंगे। अब बारी आती है हमारे समोसे बेस की, जो होगी ब्रेड की। ब्रेड की साइड्स को कट करेंगे, इन्हें बेलन से रोल करेंगे और फ्लैट कर देंगे। अब क्योंकि मैं बड़े साइज के समोसे बना रही हूँ, इसलिए मैं दो ब्रेड ले रही हूँ एक समोसे के लिए। तो इन दोनों ब्रेड को हल्का सा पानी लगाकर फिंगर टिप से प्रेस करते हुए, बेलन से प्रेस करते हुए इन्हें कंबाइन कर देंगे लाइक सो। अब इसे इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करते हुए एजेस पर फिंगर टिप से पानी लगाएंगे अंदर और बाहर की तरफ और प्रेस करते हुए इन्हें इस तरह से कोन बना लेंगे। अगर आपको अनइवन लगे तो आप इसे कट भी कर सकते हैं। अब इस कोन में स्टफिंग फिल करेंगे लाइक सो और एजेस के अंदर की तरफ फिंगर टिप से पानी लगाकर प्रेस करते हुए सील कर देंगे। मेक श्योर कि आप समोसों को अच्छे से सील कर दें ताकि फ्राई करते टाइम फिलिंग ऑयल में ना आ जाए। अब हमारी तीनों फिलिंग तैयार हैं और ब्रेड स्लाइसेस भी। तो अब एक एक करके सारे फिलिंग के समोसे बनाएंगे।
और इन्हें गरम तेल में मीडियम हीट पर तलेंगे गोल्डन होने तक। ये जल्दी ही गोल्डन हो जाएंगे। और गर्मा गर्म इन क्रिस्पी समोसों को सर्व करेंगे हरी चटनी या टैमरिंड चटनी के साथ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यम। आई नो आप इस होली पर आज की रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे और इसकी पिक्स मुझे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर टैग करके जरूर भेजेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।